हरे कृष्ण डियर डिवोटीज, आज हम श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 50 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। हमारे हरे कृष्ण महामंत्र से शुरू करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैप्टर नंबर 2 वर्स 50। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दिष्कृते तस्मादो गाय युजस्व योग कर्म सुकोशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है, अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। तात्पर्य, जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है। सो जीवात्मा, हम सब अपने अच्छे, अच्छा, बुरा सारे जो कर्म कर रहे हैं उसके फल जो है उसको हम संचित करके रख रहे हैं बहुत बहुत दिनों से, अनादि कालों से। तो इसकी वजह से फलतः वो निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा है, और इसी वजह से हम अपने असली स्वरूप से अनजान है, अनअवेयर है अपने असली स्वरूप से, क्योंकि हम बहुत कालों से अपने जो अच्छा कर्म किया होगा या फिर बुरा कर्म किया होगा तो उस सब को मतलब स्टोर कर रहे हैं, और अपना जो असली स्वरूप है उससे अनजान बने रहे हैं। इस अज्ञान को भगवद्गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। तो जब हम भगवद्गीता पढ़ेंगे, जो जो एडवाइस दिया गया है, उपदेश दिया गया है, वो समझेंगे, सुनेंगे, तो हम इस अज्ञान को दूर कर सकते हैं, इस अज्ञानता को दूर कर सकते हैं। ये हमें पूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फलों की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देती है। तो जब हम भगवद्गीता का उपदेश मानेंगे तब हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाएंगे, और ये जो जन्म कर्म का जो ये कर्म फल है, इसका जो श्रृंखला है, मतलब कि जो चेन है, उस चेन से हम मुक्त हो सकते हैं। नहीं तो हम जन्म, मृत्यु, कर्म, उसका फल, ये सब भोगते ही रहेंगे और सदा यही पे रहेंगे। तो जब हम कृष्ण की शरण में जाएंगे इस भगवद्गीता के उपदेशों के जरिए, तब हम इस कर्म फल की चेन से मुक्त हो सकते हैं। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत में कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की यही प्रक्रिया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम कृष्ण भावनामृत में कार्य करो, इससे तुम्हारा जो कर्म फल है वो शुद्ध होगा, और इसका प्रोसेस यही है कि तुम कृष्ण भावनामृत में कार्य करो। तुम ये चिंता मत करो कि तुम्हारा कर्म का फल क्या होगा, तुम सिर्फ कृष्ण भावनामृत में कार्य करो, फल की चिंता मत करो। तो आज हमने पढ़ा 50 नंबर श्लोक, आगे हम पढ़ेंगे 51 नंबर श्लोक। हरे कृष्णा।